हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। SC ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन। संत रामपाल के समर्थकों ने प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति में बदलाव किए जाने के बाद SC ST वर्ग के लोगों द्वारा एक बार फिर इनका विरोध शुरू हो गया है। हरियाणा के संत रामपाल के समर्थकों ने जोधपुर में एक्ट में संशोधन पर असहमति जताते हुए बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली और प्रदर्शन के आयोजक बुंडाराम ने बताया कि SC ST एक्ट में बदलाव के तहत नया प्रावधान किया है। इस प्रावधान के तहत अब SC ST एक्ट लगने के बाद भी बगैर जांच की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। वहीं एक्ट लगने पर अग्रिम जमानत का प्रावधान भी किया गया है। नए प्रावधान का हम विरोध करते हैं तथा मांग करते हैं कि इस बदलाव को वापस लिया जाए। उन्होंने बताया कि बदलाव से पहले के कानून में SC ST एक्ट लगने पर गिरफ्तारी किए जाने का प्रावधान था तथा अग्रिम जमानत की व्यवस्था नहीं थी। प्रवक्ता चांद सिंह राठी ने मांग की है कि SC ST एक्ट को पूर्व की तरह लागू किया जाए। ये कानून सन 1989 में बनाया गया है। उसके बाद पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज के हकों की रक्षा तथा समाज में सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस कानून की हवा निकाल दी। जुल्म होते रहते थे और थानों में इनकी बातों को नहीं सुना जाता था, और अब इस तरह की गाइडलाइन के बाद और इनके साथ में जो सुना जा रहा था वो भी है, जो इनकी आवाजों को दबा दी जाएगी। किसके बैनर तले आप दे रहे हैं? हम है जो संत हरियाणा में सदगुरु रामपाल जी महाराज के जितने भी जो शिष्य है वो सभी SC ST वर्ग के साथ में होते हुए हम है जो इनकी बात को प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं। एडवोकेट बुंडाराम, जोधपुर हाईकोर्ट। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।